हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रे ऑप्टिक्स एनडीए एनए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से जनरली एनडीए में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हमको रे ऑप्टिक्स पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसकी थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे, तो यदि टाइम कम है तो क्लास टेंथ की बुक लेकर, उसमें आपने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन बाई अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाई अ कर्व्ड मिरर और लेंस पढ़ा हुआ है। ह्यूमन आई, उसके डिफेक्ट्स, मतलब डिफेक्ट्स ऑफ विजन, वो सब थ्योरी टेंथ की कोई भी रिफ्रेशर लेकर उससे रिवाइज कर लेनी चाहिए। पहला क्वेश्चन करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहाँ ध्यान देना चाहिए, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, मतलब कोई एक स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, बाकी फॉल्स हैं, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप ये क्वेश्चन है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट इन्फिनिटी इज एट प्रिंसिपल फोकस हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखते ही से पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। आपको मालूम है कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, प्रिंसिपल फोकस पर। कैसी होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उसका आपको फिगर याद दिलाता हूँ, यह है कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है तो रेस कैसी होती है, म्यूचुअली पैरेलल। और ये क्योंकि कन्वर्जिंग टाइप का मिरर है तो ये सब रेज फोकस पर कन्वर्ज हो जाती हैं, और यहीं पर इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी फोकस पर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। सेकेंड ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। यहीं पर आप देख रहे हैं ये रेज तो कन्वर्ज हो रही हैं, तो कॉन्केव मिरर इज कॉन्वर्जिंग मिरर, ये याद रखेंगे, कॉन्वर्जिंग मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये रेज डाइवर्ज नहीं हुई बल्कि कन्वर्ज हुई, कहाँ पर, फोकस पर। तीसरा ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज डबल ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बिल्कुल उल्टी बात लिखी हुई है, हमको मालूम है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ, एंड नॉट फोकल लेंथ इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तीसरे स्टेटमेंट में क्या बोला है, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये भी गलत है, आपको मालूम है जब कोई रे रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी, मान लो यह है रेयर मीडियम और यह है डेंसर मीडियम, ये इंटरफेस, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री। तो व्हेन अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयर इनटू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड आई इज ग्रेटर देन आर। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो बाई चांस पहला ही स्टेटमेंट सही हो गया है, पर आपको हर स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए और फिर तय करना चाहिए करेक्ट आंसर। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज ए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां पर जरूर ध्यान देना चाहिए, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज ट्वाइस इट्स फोकल लेंथ। तो ये बात तो सही लिखी हुई है, आपको मालूम है स्फेरिकल मिरर्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है, पर हमारा आंसर नहीं है, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सेकेंड में क्या बोला है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव। तो आपको एक बात हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, चाहे वो मिरर हो या वो लेंस हो, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, कॉन्केव नेगेटिव। और आपको मालूम है पावर इज इक्वल टू होता है 1/ फोकल लेंथ, तो जो साइन फोकल लेंथ का होगा वही साइन पावर का होगा, यानी कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव और कॉन्केव की पावर नेगेटिव होती है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस नेगेटिव कॉन्केव इज पॉजिटिव, यानी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये दोनों स्टेटमेंट्स भी करेक्ट होंगे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कोई सरफेस है और ये ऐसी कोई सरफेस है, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, किसका कर्वेचर ज़्यादा है, तो आप बोलोगे इसका कर्वेचर ज़्यादा है, और कर्वेचर ज़्यादा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी,
और इसका कर्वेचर कम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी। तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में तो प्लेन सरफेस होती है, मतलब इसका कर्वेचर कैसा हो जाएगा, इसका कर्वेचर हो जाएगा जीरो क्योंकि ये प्लेन सरफेस है और इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी ये भी ऑप्शन सही है पर हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपको मालूम है जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होती है तब ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस रे का क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये होगा आर। तो क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें से ए, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और ऑप्शन बी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही हमको मालूम करना था। एंड सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन में बोला हुआ है डायमंड इज वेरी ब्राइट, तो आपको मालूम है ड्यू टू TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड में बाहर से लाइट अंदर एंटर होती है और उसकी सरफेसेस जो इनर सरफेसेस हैं उनसे उसका बार बार रिफ्लेक्शन होता है और किसी एक कोने से किसी एक वर्टेक्स से वो लाइट फाउंटेन जैसी बाहर निकलती है और यही रीजन है कि डायमंड बहुत ब्राइट होता है। पर इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल। आपने सुना होगा क्रिटिकल एंगल मतलब ही साइन सी, ये होता है 1/μ, 1/μ। अब डायमंड के लिए इस म्यू की वैल्यू कैसी होती है, बहुत ज़्यादा, और म्यू ज़्यादा होने से सी कैसा होता है, सी होता है कम, और क्रिटिकल एंगल के कम होने से ही वो लाइट अंदर उस डायमंड की इनर सरफेसेस से बार बार रिफ्लेक्ट होती है और फाउंटेन जैसी किसी एक वर्टेक्स से किसी एक कॉर्नर से बाहर निकलती है। तो यहाँ ये बात उल्टी लिखी हुई है, डायमंड हैज़ वेरी लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, दिस इज रॉन्ग। डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है हाई 2.4, पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का 1.5 और डायमंड का होता है 2.4। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हाई और क्रिटिकल एंगल कम होने से ही डायमंड का ब्रिलियंस होता है या डायमंड इज वेरी ब्राइट। एंड सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको चार ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें से सी ऑप्शन जनरली ऐसा होता है, स्टेटमेंट वन इज राइट बट स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे असर्शन रीजन टाइप, इसमें बात हो रही है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। आपको मालूम होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, तो यदि किसी सरफेस पर जो कैसी हो, प्लेन पॉलिश सरफेस पर इस तरह कि हम पैरेलल रेज यदि इंसिडेंट करेंगे और यदि ये रेज पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो हम बोलेंगे ऐसा रिफ्लेक्शन है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे कि प्लेन मिरर में होता है, यह है रेगुलर रिफ्लेक्शन। पर यह सरफेस यदि रफ है, डल है और इररेगुलर है, इस तरह की सरफेस है मान लो, और इसके ऊपर यदि हम इस तरह से लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये लाइट पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि इस तरह से फैल जाएगी और इस फैलने को ही कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होता है, तो ये होता है पॉलिश्ड स्मूथ सरफेसेस से, पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेसेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रफ और डल सरफेसेस से, जैसे कोई ऑयली सरफेस है या इररेगुलर सरफेस है तो इससे होगा डिफ्यूज्ड, और डिफ्यूजन का मतलब उन रेस का फैल जाना। दोनों में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होते हैं, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, वो रेगुलर हो या डिफ्यूज्ड हो, दोनों में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वली ओबे होते हैं, दोनों में ओबे होते हैं। बस यहाँ क्या होगा, यहाँ सिमेट्री होगी, ये दोनों एंगल्स होंगे थीटा और ये रिफ्लेक्टेड एंगल्स भी थीटा होंगे, सॉरी ये थीटा होंगे, जबकि इसमें क्या होगा, ये एंगल हो सकता है कम हो थीटा हो और ये एंगल हो सकता है थीटा डैश कुछ ज़्यादा हो, तो
तो बस पर अलग अलग आप देखो तो यहां भी रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा और यहां भी रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा, यानी रफ या डल सरफेस से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होते हैं, और पॉलिश स्मूथ सरफेस से रेगुलर इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है तो आप जानते हैं, आई इक्वल्स टू आर, ये पहला लॉ। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। अब इस पर आते हैं, पर उसके पहले एक और बात समझ लें। जैसे ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। यदि आपको इमेज देखना है तो आपको यहां आना पड़ेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन की ये दिक्कत है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेस की डायरेक्शन में आपको आंख रखना पड़ेगी, तभी आप ऑब्जेक्ट की इमेज देख सकते हो। जबकि इरेगुलर में क्या होगा, क्योंकि ये रेज सब दूर फैल गई हैं, हर डायरेक्शन में फैल गई हैं, केवल दो नहीं, वो तो कई सारी रेज आकर इसके ऊपर गिरी होंगी और वो सब दूर फैल गई होंगी, और इसलिए आपको हर जगह से इमेज दिखाई देगी जहां जहां से आपको ये रिफ्लेक्टेड रेज दिखाई दे रही हैं। तो ये फर्क होता है रेगुलर और डिफ्यूज्ड में। अब स्टेटमेंट वन देखते हैं क्या लिखा है। ड्यू टू डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अ क्लोज रूम गेट्स लाइट इवन इफ नो सनलाइट फॉल्स इनसाइड द रूम। ये बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। एवरीडे लाइफ में जहां जहां रिफ्लेक्शन होता है 99.99% केसेस में यही वाला रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो बाहर से उसके ऊपर लाइट गिरती है और चारों तरफ फैल जाती है, तो हमको सब जगहों से वो न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर को हम देख सकते हैं हर डायरेक्शन से। तो न्यूज़पेपर देखना या रूम की चीजें जो दिखाई देती हैं वो दिखाई देती हैं ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जबकि आपने देखा होगा प्लेन मिरर में इमेज देखने के लिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना पड़ता है। तो ड्यू टू डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अ क्लोज रूम गेट्स लाइट इवन इफ नो सनलाइट फॉल्स इनसाइड द रूम। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। स्टेटमेंट टू क्या है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल डज नॉट ओबे। ये बात गलत लिखी हुई है। चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज, दोनों में रिफ्लेक्शन के लॉज ओबे होते हैं। सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको याद ये रखना है कि चाहे प्लेन मिरर हो या कर्व्ड मिरर हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज, सब जगह वही दो लॉज रिफ्लेक्शन के ओबे होते हैं। आई इक्वल टू आर, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं।